सेकेंड पार्ट में वीडियो डालने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ऐसे मैं वीडियो डालता रहूंगा ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी होती रहे, ठीक है ना। तो चलिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट वीडियो इसका देखा हुआ था, ठीक है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे इसका है क्या, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इक्वल टू एट, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एट, ये इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट हो गया एंड इक्वेशन सेकेंड जो होगा, इक्वेशन सेकेंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन कर देंगे सेकेंड, ओके। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में करना क्या है कि जो इक्वेशन फर्स्ट है आपका, ठीक है ना, उसमें देखना है कि अगर ये बाटा में है तो उसको एलसीएम लेकर बनाएंगे, अगर बाटा वाली बाई में है तो, अगर बाई में नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, वैसे ही इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब हमको ये देखना है कि यहां पे 1y है और यहां पे 3y है, ठीक है ना। y वाला तो इक्वल पार्ट नहीं है, हम x वाले को भी इक्वल पार्ट कर सकते हैं, पर सबसे इजी रहेगा प्लस माइनस अपोजिट साइन है, तो हम इक्वेशन को बनाने के लिए y वाले को ही इक्वल करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम गुणा मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, और इक्वेशन सेकेंड में, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, ओके। अब 1 से जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है ना, तो यहां पे लिखना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 1, इक्वेशन सेकेंड में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एट इज वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस है तो प्लस, y में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y इक्वल टू है तो इक्वल टू, और 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24, ओके। थोड़ा समय इतनी करूं, ओके। अब आगे देखते हैं, इक्वेशन सेकंड में हमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम टू सेम आ जाएगा, यानी 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, ओके वैसे ही आ जाएगा। तो इस जो हमने लिखा फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई 3 से करके, इसको थर्ड इक्वेशन करेंगे और इसको इक्वेशन फोर्थ बोल देंगे, ओके। अब ये वाई वाला पार्ट जो हो गया हमारा इक्वल हो गया, वहां पे देख रहे हैं वाई वाला पार्ट जो है हमारा क्या है, दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारा थर्ड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 24, ओके। डेट इंप्लाइज कर रहा हूं, सेकेंड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, ओके। अब यहां पे देखते हैं कि 3y जो 3y दिख रहा है आपको, ठीक है ना, 3y और प्लस 3y माइनस 3y ये तो कट जाएगा, 3x प्लस 2y इसको 5x ऐड करेंगे तो 5x हो जाएगा, और इधर 24 प्लस 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू, x जो है आपका 5x इनटू में है, इधर आ जाएगा, ठीक है ना, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 25 बाई 5 कटेगा, 5 जा 25, देयरफॉर ये आपका x हो गया, x का वैल्यू निकल गया। अब हमें y का वैल्यू निकालना है, तो हम एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में y x का वैल्यू पुट करके
वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए लिखते हैं, पुटिंग एक्स इक्वल टू फाइव इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट हमको इजी दिखा इसलिए हमने वो इस पे वैल्यू रख दिया। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा है क्या, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एट। ओके, इक्वल टू एट, डैट इंप्लाइज एक्स की जगह पर फाइव पुट कर देंगे, फाइव हो गया, प्लस वाई इक्वल टू एट, डैट इंप्लाइज वाई इक्वल टू एट, ये प्लस में फाइव है, इधर आएगा तो माइनस फाइव होगा, तो देयरफॉर वाई बराबर क्या हो जाएगा, थ्री। ओके, तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस एक्स इक्वल टू फाइव एंड वाई इक्वल टू थ्री, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर, ठीक है ना, अवश्य लिखें ताकि मैं आपके जो भी डिफिकल्टी है समझने में, मैं आशा करूंगा कि बेटर से बेटर मैं आपको समझाऊं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को